हेलो दोस्तों, आपका एक और फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निको सुभाष में। दोस्तों, नई नई और अमेजिंग जानकारियों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कंप्यूटर तो जरूर देखा होगा, या आपके पास भी कंप्यूटर होगा जिसमें आप अपने ऑफिस के वर्क, कॉलेज के काम या गेम आदि खेलते होंगे। पर क्या दोस्तों, आपने कभी सुपर कंप्यूटर के बारे में सुना है, जो आपके, मेरे और हमारे आसपास सभी के कंप्यूटर से हजारों गुना ज्यादा तेज हो, जिसकी कैलकुलेटिंग पावर इतनी हो कि एक नॉर्मल इसका इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप सुपर कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सुपर कंप्यूटर एक नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना में बहुत अधिक हाई लेवल की कैलकुलेटिंग एंड कंप्यूटिंग परफॉर्म करता है। ये हमारे कंप्यूटर से हजारों गुना ज्यादा तेज काम करते हैं, इसलिए इन्हें सुपर कंप्यूटर कहते हैं। दोस्तों, सुपर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है, जिसका मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। इसलिए जिस कंप्यूटर में जितनी ज्यादा फ्लॉप्स होंगी वह उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा और उतना ही ज्यादा तेज होगा। एक सपोज सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि करंटली सबसे हाईएस्ट ऑपरेशन रेट में परफॉर्म करता है, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग करते हैं। दोस्तों, सुपर कंप्यूटर के काम करने की बात करूँ तो सुपर कंप्यूटर की जरूरत वैज्ञानिक इंजीनियरिंग प्रयोगों जिनमें बहुत ज़्यादा डाटाबेस और हाई लेवल की कैलकुलेटिंग की जरूरत होती है। सुपर कंप्यूटर बहुत तेज, शक्तिशाली और महंगे होते हैं, इसलिए इसका उपयोग वहीं पर किया जाता है जहां पर बहुत बड़ा और बहुत तेज से कैलकुलेशन करने की जरूरत है। इसके अलावा स्पेशल ऑपरेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सुपर कंप्यूटर की विशेषताओं को, जिसमें एक नहीं अनेक विशेषता है, क्योंकि इसलिए सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर एक बार में 100 से अधिक यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। ये कंप्यूटर भारी मात्रा में गणना को हल करने में सक्षम है, जिसे हल करने के बारे में एक इंसान सोच भी नहीं सकता। सुपर कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू होते हैं जिसमें इंस्ट्रक्शन लगे होते हैं, अर्थमेटिक और लॉजिकल काम को बहुत ही आसान तरीके से कर सकें। उनका उपयोग शुरू में राष्ट्रीय सुरक्षा, परमाणु हथियार डिजाइन और क्रिप्टोग्राफी संबंधित एप्लीकेशन में किया गया था, लेकिन आजकल एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल और पेट्रोलियम उद्योगों को मैनेज करने में भी सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। एक पर्सनल कंप्यूटर की अपेक्षा सुपर कंप्यूटर लाखों गुना तेज होता है। मान लीजिए एक सुपर कंप्यूटर किसी काम को या कैलकुलेशन करने में 100 सेकंड लेता है, तो वही काम एक नॉर्मल कंप्यूटर करने में हजारों साल लग जाएंगे। इससे पता चलता है कि सुपर कंप्यूटर कितना ज्यादा तेज और पावरफुल होता है। सुपर कंप्यूटर की एक्यूरेसी लगभग 100% होती है। इन कंप्यूटर में बहुत ज्यादा मात्रा में डाटा और अनेक प्रकार के निर्देशों को इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर में सूचनाएं डिजिटल माध्यम से एकत्र की जाती है। इन माध्यमों के द्वारा सुपर कंप्यूटर डाटा कम स्थान घेरती है और सूचना को संग्रहित करती है, इसलिए भी सुपर कंप्यूटर की क्षमता बहुत अधिक और असीमित होती है, जिसकी कोई कल्पना ही नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर के उपयोग की, क्या क्या इसके उपयोग होते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा उपयोग कैलकुलेशन के लिए ही किया जाता है, जहां थोड़ी सी समय में अधिक से अधिक या बड़े पैमाने पर कैलकुलेशन होती है। इसके अलावा इसका उपयोग आर्मी तथा वैज्ञानिक अनुसंधान व अलग अलग प्रयोगशालों में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी और वायु गति अनुमान लगाने के लिए भी किया जाता है, कि वायु का वेग कितना है। दवाओं की बड़ी बड़ी कंपनियों में भी ऐसे सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन बनाने में भी सुपर कंप्यूटर का ही प्रयोग किया है। इसका अन्य उपयोग इंजीनियर में बड़े बड़े स्टेटस, भौतिक जटिल इक्वेशन, बिल्डिंग्स और बड़े बड़े पुल के ब्लूप्रिंट्स तैयार करने में भी किया जाता है। खगोल वैज्ञानिक भी इसका उपयोग ग्रहों को मापने, दूरी नापने के लिए करते हैं। सैन्य नए नए कंप्यूटर, टैंकों और हथियारों के परीक्षण के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग करता है। इनका सैनिकों और युद्धों पर प्रभाव समझने के लिए भी उपयोग किया जाता है। इन मशीनों का उपयोग डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए भी किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक परमाणु हथियार विस्फोट के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए भी करते हैं। हॉलीवुड एनिमेशन, मनोरंजन में सुपर कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है, या ऑनलाइन गेमिंग में भी सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके इतने सारे उपयोग हैं या उपयोग कह सकते हैं आप, कि हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अब हमने सुपर कंप्यूटर के बारे में जान लिया, उसकी विशेषताएं जान ली, उसके उपयोग का पता चल गया, पर हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या इसे हम खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आप मैं बताऊंगा इसकी कीमत की, इस सुपर कंप्यूटर की कीमत कितनी होती है। दोस्तों, सुपर कंप्यूटर की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि यह कितनी फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड की स्पीड से गणना कर सकता है। जो सुपर कंप्यूटर जितना तेज होगा उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होती है। नॉर्मली सुपर कंप्यूटर की कीमत $20,000 होती है, लेकिन बड़े सुपर कंप्यूटर की कीमत $300 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक होती है। दोस्तों, अब हमारे दिमाग में एक और सवाल उठता है,
कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, क्या भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम भी इसमें शामिल है। विश्व दोस्तों विश्व के दो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हैं, दोनों के दोनों ही अमेरिका के हैं। एक का नाम है सुमित और दूसरे का नाम है सियारा। सुमित को जून 2018 में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ताज पहनाया गया था। उसने गणितीय परीक्षण में लिंक पैक का प्रदर्शन 122.3 पेटाफ्लॉप्स पर सेकंड पर किया था। सुमित से पहले चीन का सबसे सुपर तेज कंप्यूटर था सनवे ताई हुलाइट, विश्व का बहुत ही तेज सुपर कंप्यूटर था जिसका मूल्य लगभग $273 मिलियन था। दोस्तों भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तो इसलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।